Now, in this video, I am going to explain what is the effect of speed and direction on velocity. Means, speed और direction का क्या effect होता है velocity पे? मतलब हम जब speed change करेंगे, कभी कम, कभी ज़्यादा, या direction change करेंगे, तो क्या effect होगा उसका velocity पे? तो इसको समझने के लिए आपके पास एक example है. Sachin is traveling on a motorbike. Now you have to explain what will happen in the following event during Sachin's ride. Sachin travel कर रहा है motorbike से. आप लोगों को बताना है कि क्या होगा. तो first event में क्या हुआ? What will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases, but its direction remain unchanged? तो first event में क्या हुआ कि Sachin motorcycle ride कर रहा है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेट जा रहा है, सिर्फ उसकी स्पीड वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है. तो आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा. क्या हो सकता है? वेनेवर द स्पीड विल इंक्रीज वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज. जब भी स्पीड इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीजेस होगी. व्हेनेवर स्पीड विल डिक्रीज वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस. तो एक चीज़ समझ में आई आपको इस इवेंट से कि जब हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी स्पीड चेंज हो रही है, कभी हम इंक्रीज कर रहे हैं, कभी डिक्रीज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी कम और ज़्यादा होगी. जब स्पीड इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, जब स्पीड डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी. नाउ इन द सेकेंड इवेंट, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम? नो. इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड द वेलोसिटी विल सर्टेनली हैव टू बी चेंज एंड ऑल्सो द स्पीड. मीन्स जब हम रोड पे टर्निंग करेंगे तो वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं रहेगी, दोनों को चेंज होना ही पड़ेगा. आफ्टर दैट इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल कीपिंग इट स्पीड कॉन्स्टेंट, वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी? अब क्या किया सचिन ने? मोटरसाइकिल का डायरेक्शन चेंज किया एंड स्पीड उसने कॉन्स्टेंट रखी, तो क्या इफेक्ट होगा वेलोसिटी पे? ऑब्वियसली द वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज इन डायरेक्शन, बट नॉट इन मैग्नीट्यूड. अब सेकेंड केस में क्या होगा कि जब वो अपनी स्पीड कॉन्स्टेंट रखेगा और डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में नहीं होगी. सो इफ द स्पीड इज कैप कॉन्स्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन of the motorcycle is changed, the velocity will change in direction but not in magnitude. और एक और बात, अगर जब हम टर्निंग करेंगे और अपनी स्पीड को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है. सो टर्निंग पे स्पीड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. नाउ द थर्ड इवेंट, if on a turning Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what will be the effect on its velocity? अब क्या किया सचिन ने? टर्निंग पे उसने डायरेक्शन भी चेंज किया और अपनी स्पीड भी, तो क्या इफेक्ट होगा वेलोसिटी पे? अब क्या होगी? वेलोसिटी विल चेंज इन डायरेक्शन
as well as in magnitude. अब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में और मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में भी. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव थ्री इवेंट दैट द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. ये तीन हमने जो इवेंट देखे इससे ये क्लियर हो गया कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड होती है. वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. तो आपको ये समझ में आया? Now always remember, the first scientist to measure speed as the distance upon time was Galileo. Second, speed of sound in dry air is 343.2 meter per second. Third, speed of light is about 3×10^8 meter per second. Speed of revolution of the earth around the sun is about 29,770 meter per second.